गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, वैसे तुम्हें कितना भी प्रवचन सुना दो, चाहिए तुम्हें पर्चा, कितनी भी बातें सुना दें, तुम दो चार दस मिनट बाद बोलने ही वाले हो कि बनेगा कब, तुम यही बोलने वाले हो, ये तय है कि बताओ कब, ये तो तय है। हाँ, ये तय है कि बनेगा। समय लगेगा, आज नहीं तो कल, अगली बार और अगली बार, कभी तो बालाजी कह ही देंगे आ जाओ भैया। अब मजबूरी हमारे सामने ये है कि बहुत लोग दो दो तीन तीन साल से जुड़े और कुछ लोग दो दो तीन तीन घंटे से जुड़े, तो दो तीन घंटे वाले ज्यादा शोर मचाते, हमारा बना दो तीन घंटे हो गए, हमने खाया पिया नहीं है कुछ, ठटरी के बरे न कटा आगी के लगे, तू तीन साल, कोई तीन साल से प्यासा बैठा और तू इन तीन घंटे से प्यासा बैठा, पहले उसकी प्यास बुझा दे दो वरना वो आईसीयू पहुंच जाएगा। अब तुम चले आए बांसुरी बजा, तुम चले आए नागन डांस कर, हद हो गई भाई, कितनी बेवकूफी। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं, कई बार पहली बार आने वालों की अर्जी लग जाए और जो दो दो साल से बैठे तीन तीन महीने से, उनकी सुनते तक नहीं, सुनना तो ठीक है, वो ये तक नहीं कहते कि इसकी तरफ देख भी ले, कितनी विचित्र बात है। भगवान के घर भी कितना अंधेर दिखाई पड़ रहा है, अंधेर नहीं है, तुम्हारी सोच का अंधेर है। वो तुम्हें फिर कह रहे हैं कि और भजन कर, वो तुमसे कह रहे हैं और नाम जप कर और कीर्तन कर और पेशी कर और चरणों में डूब जा। बात तो बहुत पते की कह रहे हैं, काम तो तुम्हारा सिद्ध होना ही है, पर राम नाम भी तो सिद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रियजनों, आज के दरबार में आपको हम बताएं कि आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप दृढ़ संकल्पवान नहीं है। आप कभी विचार करना अपने शरीर में नाखून और बालों पर, इन्हें कितना भी काट दो ये बढ़ना नहीं छोड़ते, सदा बढ़ते हैं, बचपन से कटते आ रहे फिर भी बढ़ रहे हैं। हटीले तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही भक्त को होना चाहिए, कितना भी दुत्कारें उन्हें बालाजी के चरणों में पड़े रहना चाहिए। लेकिन याद रखना, दोनों को कितना भी काटो पर दोनों के बिना शरीर का महत्व ही नहीं बचता, रूप सुधा चली जाती है, तो दोनों बहुत जरूरी हैं। ऐसे ही बालाजी के यहां पर देर तो है, तो जो बागेश्वर धाम का नियम है उसका पालन करो। आज भी हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन हम आज सरकार की सेवा में थे, यज्ञ की सब देवी देवता जितने बुलाए थे उनकी आज विदा की, तो फिर भी सामूहिक अर्जी अभी हम लगा देते हैं, थोड़ा चाय बाय पी लेते हैं। तो बात यह है कि हम जो है मंदिर पे दर्शन करके अन्नपूर्णा में गए और सो गए, तो हमें जगाया गया कि उठो आप अंतिम योद्धा बचे, तब जाके हम उठे, हम सो गए, शरीर है अब वो जितनी उधार डली हुई नींद है वो धीरे 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 पूरी हो गई, हनुमान जी पूरी कर रहे हैं। लेकिन आप सब प्रियजन आए हैं, कल मंगलवार भी है, कल पुरानी पेशी का दरबार है,
वो क्रम लगातार चलेगा। आगामी अर्जी का दरबार हमने घोषणा कर दी है, कल ही घोषणा कर दी है, 21, 22, 23, 24 दिव्य दरबार लगेगा। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। तब तक आप नियमित पेशी प्रारंभ कर दो। पेशी का नियम है मंगल या शनिवार को पहुंचना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के सुनाना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना और भभूति भर से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सियारा, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। साधु जी, बालाजी, साधु जी,